हासिलपुर में आकाए दो जहां हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम विलादत के मौके पर फजा मुअत्तर हो गई, रैलियां और जुलूस निकाले जा रहे हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा न्यूज़ वन रिजवान मंजूर से। रिजवान, आगाह कीजिए, हासिलपुर में जश्न ईद मिलादुन्नबी किस शान से मनाया जा रहा है? बिल्कुल, पूरे मुल्क भर की तरह हासिलपुर में भी ईद उल मिलादुन्नबी पुरजोश तरीके और अकीदो एहतराम से मनाया जा रहा है। और मेरे साथ एक बहुत बड़ी रैली भी है। यह रैली हाजी असगर गुजर चौक से होती हुई, अपने मुकर्रर रास्तों से होती हुई मजाइल चौक पर आ पहुंची है। मेरे साथ रैली के शुरका मौजूद है, आइए उनसे जानते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। जी सर, आप बताइए, ईद उल मिलादुन्नबी किस तरह मना रहे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आज का जो दिन है, इस दिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए और उन्होंने हमें अमन का दर्श दिया। उन्होंने हमें समझाया कि आप अमन, इखलाक और प्यार और मोहब्बत से रहें और दुनिया को भी अमन और मोहब्बत की तलकीन की। जी, जैसा कि हमने इनका मौकफ जाने का यही कहना था। आपको बहुत शुक्रिया, आपने आगाह किया। और अब रुख करेंगे खुशाब का। आकाए नामदार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम विलादत का जश्न शायान शान तरीके से मनाया जा रहा है। और इस वक्त हम बात करेंगे नुमाइंदा न्यूज़ वन अब्दुस्सत्तार मिर्ज़ा से। अब्दुस्सत्तार, आगाह कीजिए, खुशाब में क्या मनाजिर देख रहे हैं आप जश्न के? खुशाब के अंदर भी जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई मजहबी जोश और जज्बे और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। ज़िला भर से छोटे बड़े जितने भी जुलूस हैं ईद मिलादुन्नबी के, वो अपने अपने इलाकों से बरामद हो चुके हैं, जो अपने रवायती रास्तों पर रवा दवा हैं। बात करें यहाँ पर इस्तकबालिया कैंपों की, तो जुलूस के जितने भी रास्ते हैं वहाँ पर इस्तकबालिया कैंप भी जो है वो लगा दिए गए हैं। मैं इस वक्त मिलाद चौक के मकाम पर मौजूद हूँ। यहाँ पर भी बल्दिया इंतजामिया की जानिब से बड़ा एक जो है वो इस्तकबालिया कैंप लगाया गया, जो बरकजी जुलूस पर जो है वो फूल की पत्तियाँ निछावर करेगा। इसी तरह बात करें यहाँ पर सिक्योरिटी के हवाले से, तो खुशाब पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। खुशाब के जितने भी छोटे बड़े जुलूस हैं यहाँ पर मिलाद चौक के मकाम पर जमा हो गए, यहाँ पर एक बड़े जुलूस की सूरत इख्तियार कर जाएंगे, जो कि अपने रवायती रास्ते से होते हुए। सत्तार मिर्ज़ा, आपका शुक्रिया। और अब रुख करेंगे मंडी बहाउद्दीन का जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मरकजी जुलूस मिलाद चौक से बरामद होकर अपने रवायती रास्तों पर इस वक्त गामजन है। तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा न्यूज़ वन ख्वाजा मोहम्मद शफीक से। ख्वाजा शफीक, आगाह कीजिए, कब जुलूस इख्तिताम पज़ीर होगा, कितनी बड़ी तादाद में शुरका शामिल है इसमें? जी बिल्कुल, मंडी बहाउद्दीन में आज जश्न ईद मिलादुन्नबी के हवाले से करिया करिया गाँव गाँव हर मकाम पर, यह कहना गलत नहीं है, ना गलत नहीं है कि जो हमारे आज़ाद शुमार अब तक इकट्ठे हुए 400 से ज़्यादा जो जुलूस हैं वो मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बरामद हो चुके हैं। मैं इस वक्त मरकजी जुलूस में शामिल हूँ, जो कि मिलाद चौक से सुबह से बरामद हो चुका है, जिसकी क़्यादत मुख्तलिफ जो हमारे उलमाए इकराम है वो कर रहे हैं। उसके अलावा जो मिलाद कमेटियाँ वो कर रही हैं। ये जुलूस अपने रवायती रास्तों से होता हुआ प्रेस क्लब मंडी बहाउद्दीन पहुँचा है, जहाँ पर उलमाए इकराम और उसके अलावा जो हमारी डिस्ट्रिक्ट मंडी बहाउद्दीन की मंडी में डी सी मंडी बहाउद्दीन, ए सी मंडी बहाउद्दीन, उसके अलावा टी एम ओ मंडी बहाउद्दीन और दीगर जो अंजमन ताजरान के जो अहदेदारान हैं उन्होंने खिताब किया है और आका दो जहाँ की शान बयान किया। इस वक्त ये जुलूस जो अपने रवायती रास्तों पर गामजान है, नूर मस्जिद चौक को क्रॉस कर चुका है। मैं आपको बता चाहता हूँ, जुलूस के रस्ते में जगह जगह पर सबीलों लंगर का इंतजाम भी किया गया, फूलों की पत्तियाँ निछावर की जा रही हैं। आशिकान रसूल जो है वो अपने आका के साथ मोहब्बत के लिए अपने हर तरीके से इजहार मोहब्बत का जो है वो तरीका अपनाए हुए हैं। शफीक, आपका शुक्रिया, आपने आगाह किया।